हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको तीन तार वाले केबल को टू पिन टॉप में कनेक्शन कैसे करते हैं वो बताने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये टू पिन टॉप है और ये थ्री पिन टॉप है। तो थ्री पिन टॉप ही लगता है दोस्तों इस केबल में, क्योंकि इसका तीन पिन होता है और इसका दो पिन होता है। लेकिन अगर हमारे पास थ्री पिन टॉप नहीं होगा तो हम इसको टू पिन टॉप में कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो थ्री पिन टॉप होता है इसको तार के कलर के हिसाब से लगाना होता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस केबल में तीन तार है, तो हरा तार अर्थिंग का होता है, तो इसे हमें थ्री पिन टॉप के ऊपर वाले पिन में लगाना होता है। और यहाँ पर फेज लगाना होता है, लाल तार फेज का है तो इसे हमें यहाँ पर लगाना होता है। और देखिए, काला तार को यहाँ लगाना होता है। तो इन तीनों तार को हमें एक एक पिन में लगाना होता है कलर के हिसाब से। लेकिन अगर हमारे पास थ्री पिन नहीं है तो हम टू पिन में इसका कनेक्शन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, हरा तार को हमें नहीं लगाना है दोस्तों, ये जो काला और लाल तार है इन दोनों तार को टू पिन में लगा देना है। एक एक पिन में एक एक तार को लगा देना है, हमें हरा तार को इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमें सिर्फ लाल और काला तार को लगाना है। हरा तार अर्थिंग का होता है तो इसे थ्री पिन में लगाना होता है, टू पिन में नहीं लगाना होता है। अगर गलती से हम हरा तार को टू पिन में कनेक्शन कर लेंगे तो करेंट लग सकता है दोस्तों, और हमारी जान भी जा सकती है। तो इस तरह से टू पिन में थ्री केबल वाले का कनेक्शन होता है दोस्तों। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।